सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन रैली में संबोधित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता था यार सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक देके आया हूं। कईयों को उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल और कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। दूसरी बात, अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी, एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है, जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। यकीन नहीं होता ऐसा इंसान पैदा हुआ था। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया। बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत गरीब घर में, खाने को भी नहीं था। और उन दिनों में अंग्रेजों के जमाने में छुआछूत भी इतनी थी, कोई उनको पास नहीं आने देता, स्कूल में कॉलेज में हर जगह छुआछूत का सामना करना पड़ा। उस जमाने में उस शख्स ने शिक्षा पे इतना जोर दिया, उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में उसने विदेशों से 2-2 PhD करी, 1 PhD उसने लंदन से करी उन्होंने और 1 PhD अमेरिका से करी। भाई साहब आज के जमाने में आपका बेटा अगर लंदन से PhD करना चाहे, आसान नहीं है PhD करनी, बहुत मुश्किल है। पहले तो दाखिला नहीं मिलता, फिर पैसे का इंतजाम नहीं होता। उस शख्स को दाखिला भी मिला और उसने स्कॉलरशिप का इंतजाम भी करा, 2-2 PhD करी उन्होंने। उन्होंने MA करी,
एक विषय में नहीं, दो विषय में नहीं, तीन सब्जेक्ट में नहीं, 62 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एमए करी, 62 सब्जेक्ट्स के अंदर। मेरे को तो मुझे ना तो लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा शायद उनका, 62 विषयों में। भाई साहब, बाबा साहब का एक सपना था, उनको लगता था कि अगर समाज के हर बच्चे को, गरीब के, दलित के, देश के हर बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो सारे समाज से गरीबी दूर हो सकती है, बराबरी का हक मिल सकता है। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 70 साल में इतनी सरकारें आई, किसी ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। जानबूझ के हम लोगों को, इस देश के लोगों को अनपढ़ रखा इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर, ताकि इनको वोट बैंक बना के रखे। ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, ताकि इनको गरीब रखें। ये जानबूझ के गरीब रखते हैं कि मजदूर सस्ते में मिल जाए इन लोगों को। इन सारी पार्टियों ने मिलकर जानबूझ के, अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या?